जो लोग हमसे या समाज से जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी बनना चाहते हैं, उनके लिए मुख्य सूत्र है। पहला नियम तो यह है कि निस्वार्थ भाव, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए अपनी निजी फायदा के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों के लाभ के लिए कार्य हो, खुद के लाभ के लिए कोई भी कार्य न हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप किस क्षेत्र में काम करोगे। जैसे आपके क्षेत्र में आसपास कोई कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जैसे तेरमी है, बाल विवाह है, दहेज है, दहेज प्रथा और भी छोटी मोटी बुराइयां हैं, उनका आप यथासंभव विरोध करोगे। अब विरोध करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप लठ लेके उसको मारने लग जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं, यथासंभव आपके पास जितनी शक्ति है। विरोध कई प्रकार से होता है और न भी कर सको विरोध, लेकिन समर्थन बिल्कुल नहीं करना किसी भी बुराई का, किसी भी कुरीति का सहयोग नहीं करना। तीसरी बात यह है कि जो शोषित हैं, गरीब परिवार हैं और जिन्हें जरूरत है, ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर और सरकार की जो योजना है, शासन प्रशासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं लोक कल्याण की, जनहित की, उन योजनाओं का लाभ जिस किसी को नहीं मिल रहा है, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके कस्बा शहर गांव में जिस किसी को भी नहीं मिल पा रहा हो, उसको आपके प्रयास के द्वारा सरकार का वो लाभ मिलना चाहिए। जैसे किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं है और कोई असहाय है, विकलांग है, उसके पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, उसे सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, तो एक तो व्यक्ति उसका प्रयास नहीं कर पाता अनपढ़ होने के नाते, या इतना किसानी काम में और दूसरे कामों में बिजी है तो नहीं कर पाता, तो उसके आवेदन वगैरह का कार्य आप सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी हैं तो आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, तो ये कार्य आपको करना है। आपको यथासंभव समय निकालकर पूरे दिन दूसरों की भलाई के लिए लगे रहो, अपने परिवार को छोड़ दो, मैं ऐसी शिक्षा भी नहीं देता। तो इसमें विशेष देखा ये जाएगा कि आप समाज सेवा तो करो, लेकिन जरूरतमंद लोगों के काम आना बहुत जरूरी है। जरूरत पर हर चीज अच्छी लगती है, और जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है उसके पास में भी जाना ठीक नहीं। जैसे जरूरत बगैर का खाना, चाहे कितने बड़े पकवान हो, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और जरूरत है, भूख लगी है, तो आपको साधारण दाल रोटी भी मोन थाल मेवा जैसा लगेगा। जरूरत पर काम आओ, किसी के भी आओ, जरूरत पर काम। मैं तो ये कहता हूं समाज से भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जरूरत हो तो बोलो, जरूरत हो वहां जाओ, जरूरत हो वो कार्य करो। आप सामाजिक कार्यकर्ता, आप मुझसे जुड़े हैं।